लंसाना के लोगों, 22 अगस्त को आज खामी जिम्मेदारी सौंपी है कि इस्लामाबाद में जलसा हर हालत में करना है। हमने इस्लामाबाद में जलसे भी किए, जुलूस भी किए। बसे के लोगों, अगर आप पाकिस्तानी अमलन ये सोच ले कि अब जब तक आप गांव से नहीं निकलेंगे, सुनो वो कैदिया दो चार आज बेगुना, उसकी नजर आप लोगों की तरफ है। आप जब तक हर पाकिस्तानी घर से निकलकर खान के पीटीआई के जलसे में इस नजरिए के साथ नहीं जाएगा कि मैंने अमली तौर पे इस जिद्दोजहद में शरीक होकर पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि पूरा पाकिस्तान खान के लिए निकलता है, खान के साथ खड़ा होता है। आप नारे नारे लगाने का वक्त नहीं है, अब वक्त है। सुनो सेजवानी ने खामोश हो जाए। मानसरा में घर घर में ये पैगाम पहुंचा दो, आप लोग 22 अगस्त को जो मुमकिन हो तो 21 अगस्त को सब लोग पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद उमट कर आए और इस्लामाबाद में खान का जलसा है 22 अगस्त को। नहीं आप मुझे बोलने तो दे, इस्लामाबाद में जलसा है तरनेल के मकाम पे, यह खामोश हो जाओ ना। आप अगर हम 1 लाख से बढ़ जाते हैं तब पढ़ेंगे जब पिशावर मर्दान मलाखंड डी खान बनकी मरवा कारक हरिपुर अदारा इकबाद पटाग्राम सांगला स्वाद पाजावड़ वजीरिस्तान हर एक शहरी और माथेरा के लोग ये और पंजाब के लोग और बलूचिस्तान और सिंध के लोग हर एक ये समझे कि ये आप सबकी जंग है, ये हमारे बच्चों की जंग है, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जंग है। पाकिस्तानियों ऐसे कमजातों यजीदों और सिमरों और फिरौनों से वास्ता पड़ा है कि जब तक अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जिद्दोजहद नहीं करोगे, खुदा की कसम तुम भी पामाल होते रहोगे और तुम्हारे हकूक भी पामाल होते रहेंगे। तो क्या 22 अगस्त को अपने लिए निकलोगे, पाकिस्तान के लिए निकलोगे, खान के लिए निकलोगे? आइए एक समान होके कैदी 804 जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मंथेरा के लोगों, बफा के लोगों, मैं आपको सलाम खुदा।